चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया दे रखा है आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी क्यूब का, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हमें पढ़ाया गया था वो क्या था, 6a² था बराबर 600, ऐसे होगा। हमें निकालना क्या है, साइड यानी कि a निकालना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, देखो a² ऐसे 600 के जो मल्टीप्लाई हो जाएगा के डिवाइड, a² कितना आएगा, 6 1 6 0 0, a कितना आएगा अंडर रूट 100, यही होगा। 100 किसका रूट होता है, किसको पता है, 10 का। चलो तुम्हें पता था, बहुत बढ़िया, मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा रूट कैसे निकालते हैं, इसको आता अच्छा जिसको नहीं आता बोल दो। रूट 100 की वैल्यू निकालने तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 2 5 50, ऐसे आएगा 2 25 5 5 5 1 1, देख लेते ध्यान से, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं, रूट 100 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्या रूट के अंदर क्या क्या है, 2 2 कितने 2 है, 2 और 5 कितने हैं, 2, यही तो हो रहा है। 2 से एक बार, तो एक बार आएगा 2, 2 से एक बार तो 5 आएगा, 2 5 कितना होता है 10, इसलिए आंसर कहना कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करिए, ठीक है। तो आपका ए आ गया, साइड आ गया यानी 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला उसने, एक कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब कैसी शेप होती है, तो देखो हमें नहीं पता लगेगा तो हम याद से देखेंगे। लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीन चीजें देखिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट, किस में होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्यूबॉइड में होती है, तो मतलब ये क्या हो गई, क्यूबॉइड होगा, क्या होगा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है। हमें उसने बोला पूरा पेंट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट द बॉटम, मतलब ऐसा बोलेंगे देखो भाई पूरा कैबिनेट पेंट करना है ऐसे पूरा, एक और उसमें से क्या हटा देना है, फिर नीचे वाला पार्ट, एक्सेप्ट द बॉटम, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरे कैबिनेट को पेंट करना है, पूरे रूम को पेंट करना है और नीचे जमीन को छोड़ देना है, क्लियर बात, ठीक है, ऐसे पेंट करना है उसको। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यार एक काम कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, उसमें से नीचे वाला फिर ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ, आ जाएगा एरिया जो चाहिए, पूरे का निकालूंगा और नीचे वाला माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा, नीचे वाला, क्यों, क्योंकि मुझे क्या क्या पेंट करना है, सब कुछ किसके अलावा, नीचे वाले के अलावा, यही तो होगा, ऐसे बोलेंगे। देखो क्या रिक्वायर्ड एरिया, कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम, सही बात है, यही होगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो होता है 2 lb + bh + h, यही होता है। अच्छा एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम की शेप में होगा, नीचे की शेप में होगा, बताओ भाई कौन सी शेप, पहली वाली, दूसरी वाली ब्रेथ, तीसरी वाली हाइट, तो लेंथ कितनी है 1, ब्रेथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 2, हाइट कितनी है 1.5, ऐसे करके, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है इजी इजी वे में, माइनस एल इंटू बी यानी कि 1 × 1.2, बॉड मास लाइन पहले मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 2 2 1.5 × 2 3, 1.5 बन जाए 1.5, और माइनस का 2 1 2 2, ऐसे प्लस करा जाएगा क्या, 2 + 3 5 5 + 1.5 कितना होता है 6.5, माइनस 2 जगह करना कितना है 2 × 6.5 30 30 - 2 11 m². देखो इस क्वेश्चन का सीखने वाला पार्ट यही था कि हमें क्या करना है, पूरे में से किसको माइनस करना है, बॉटम को, क्योंकि क्वेश्चन खुद मेंशन कर रहा है कि हमें क्या निकालना है, पूरे को पेंट करना है किसके अलावा, बॉटम के अलावा, किसके अलावा, बॉटम, तो कहूँ बॉटम है तो हटी जाना, तो बॉटम को हटा जाना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आंसर आया 11 m². क्वेश्चन है कि एक दीवार है, अब दीवार है तो दीवार की शेप होती है क्यूबॉइड में होती है, कैसे मैं बता देता हूँ, एक लंबाई होती है, एक ऊंचाई भी होती है और एक चौड़ाई भी होती है, दीवार की सब होती है, जो दे रही है देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ऑर्डर तो यही है, पहला लेंथ दूसरा ब्रेथ तीसरा हाइट। उसने बोला इस पूरी दीवार को पेंट करना है, क्या करना है पेंट, ठीक है। और जो एक मैंने दुकान से कैन लेके आया, पेंट का कैन होता है ना, वो लेके आया, उससे 100 m² पेंट होता है, कितना पेंट होता है 100 m², मेरे को निकालने की टोटल कितने कैन लगेंगे वो भी निकालना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो पहले तो ये समझो कि आपको निकालना क्या, किसको पेंट करना है, पूरी दीवार को पेंट करना है,
ठीक है, दीवार इसको टोटल सरफेस एरिया को प्रिंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया वॉल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, 2 LB + BH + HL, चलिए निकालते हैं 2। अच्छा इसमें कर्व लगेगा टोटल लगेगा, बताओ कर्व, चलो पहले देखते हैं निकाल लिए, नहीं निकला गलत तो होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे गलती से सीखो, ठीक गलत होगा कुछ नहीं। 2 LC, L कितना है 50, B कितना है 10, फिर से B कितना है 10 इंटू H कितना है 17, H कितना है सॉरी 7। अच्छा L कितना है 15 है ना, सॉल्व करेंगे 2 15 10 20 10 70 70 15 70 120 2 ऐसी कितना है 120 प्लस 70 220 प्लस 105 कितना होता है 225 325 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है उसमें बोलिए जिसको ऐड किया है, एक कैन से कितना पेंट होता था 100 मीटर स्क्वायर, तो बोलूंगा अगर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर होता तो मुझे कैन तो निकालने हैं, ठीक है तो नंबर ऑफ कैन कैसे निकालेंगे ध्यान सुनना, बड़ा कौन सा एरिया 100 मीटर स्क्वायर वाला कि ये वाला जो आया ये वॉल का, तो 650 के नीचे 100 आएगा, ठीक है तो चेक कर लेते आंसर कितना, आंसर करो 6.5 कैन से नहीं, चेक करना आंसर, आंसर करो वो कितना कैन का है, देखते तुम्हारा सही आ गया 5 10 5 10, हां तो मतलब ये गलत आ गया, ये क्या है गलत, क्योंकि दीवार का क्या होता है ना पेंट जब करते हैं दीवार में ऊपर क्या कहां पेंट करोगे तुम बाहर बाहर में तो पेंट कर सकते हो नहीं, ठीक है टॉप और बेस को कहां पेंट करोगे, इसलिए उसमें क्या लगेगा कर्व चलते है, कौन से ये लगेगा कर्व, जैसे कार का जो कर्व ये अच्छा नहीं इधर जो है, ठीक है चलो जल्दी से तो सीख रहे, ठीक है तो कर्व सरफेस एरिया वॉल 2 L + B × L ऐसे होगा, 2 ऐसी L + B कितना है लेंथ कितनी है 15 + 10, H कितना था 7, ये होगा 2 ऐसी 15 + 10 25 × 7 ऐसे होगा, तो है 25 × 14, ये तो होगा 25 × 14, ये यार क्या और सोचते हैं क्यों लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 लास्ट प्लस कर देंगे 500 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ कैंस कैसे निकालेंगे 500 के नीचे 100 आएगा, तो 5 कैंस आ रहा था ना, तो ये आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये जानना है तो समझ आ गया कौन से विषय है, इसको क्यों प्लस करें इसको समझना ना, मैं जरूर बताते हैं, देखिए देखो जब हम दीवार की बात करते हैं तो दीवार में कैसी इमेज बनती है, दीवार की इमेज कैसी बनती है रेक्टेंगल, क्यूब, पीछे से भी तो पेंट करना क्यूब, क्यूबॉइड होती है दीवार, होती क्यूबॉइड, लेकिन नीचे तो जमीन से अटैच होती है, जैसे तुम्हारे घर के बाहर दीवार है, कोई दीवार तो देखोगे ना घर के बाहर, ठीक है कैसी होती है दीवार, उसके पीछे ही पेंट करना होता है, ठीक है और चौड़ी दीवार है ये तो जैसे हमारे घर में होती आगे वो तो पतली होती है चौड़ी दीवार से, तो इमेजिन करो एक तो कैसे कैसे पेंट करूंगा, एक तरफ जैसे इस तरफ पेंट करना पड़ेगा, पीछे की तरफ भी पेंट करना पड़ेगा, साइड की तरफ भी पेंट करना पड़ेगा, पिलर होंगे उसको साइड में वो भी पेंट करने पड़ेंगे, इधर इधर ये तो हुआ कर्व, ये तो क्या हुआ कर्व, ऊपर भी तो पेंट करना पड़ता है दीवार को, अगर तुमने किसी ग्राउंड में दीवार देखो तो ऊपर भी तो पेंट करते हैं दीवार के, देखिए ऊपर भी तो पेंट जैसे दीवार है, तो मैं बताऊँ कैसे उनको देखो दीवार इसके बिना तो दीवार नहीं बनेगी, देखो ये है दीवार मान लो, तो कैसे इमेजिन करेंगे, नीचे जमीन से अटैच होगी, नीचे किससे अटैच होगी, ये जमीन में तो गड़ी होती दीवार से होती जमीन के साथ ही, देखो एक तो इधर वाला एरिया, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक पीछे वाला, ये हो गया कर्व,
और फिर ऊपर भी उस पर एड करना पड़ता है, करना पड़ता है ना ऊपर भी। तो ये होता है कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकाला हमने। देखो क्या क्या, एक कर्व निकाला मैंने साइड साइड का और उसमें क्या प्लस कर दिया, ये ऊपर वाला एल इन टू बी, ये एरिया ऑफ टॉप है। क्या है ये, एरिया ऑफ टॉप, इसीलिए निकला। ठीक है, कि अगर हम पेंट करने जाएंगे तो एक तो कर्व तो आएगा ही आएगा, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, और साथ साथ कौन आएगा टॉप, इसलिए एल इन टू बी करो लास्ट में। ठीक है, नोट करो।